जय हिंद डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं देवा मानेश्वर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट वार में स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हमने टेक्निकल क्वेश्चन के सीरीज की शुरुआत की है और आप सभी जानते हैं लगभग सभी एग्ज़ाम में सेफ्टी प्रकाशन के एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं, तो आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, आज के प्रथम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने, सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा है, घाव पर पानी डालिए, घाव पर एंटीसेप्टिक लगाना, घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना, घाव को रगड़िए। बताइए सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना। जी हाँ, जब सांप काट दे तो उस पर ना ही हमें पानी डालना है, ना ही एंटीसेप्टिक लगाना है और ना ही उसे रगड़ना है। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन जो हमारा है, घाव पर कपड़ा बांधना और खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक मरीज मुँह से श्वसन प्रक्रिया सही ना करे तो प्राथमिक उपचार को निम्नानुसार करना चाहिए। ऑप्शन है, तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें, टूटी हड्डियों को देखें, शरीर को कंबल से गर्म रखें, नाड़ी और नेत्रों की जांच करें। बताइए इसका सही आंसर। तो सही आंसर है तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें। जी हाँ, जब कोई व्यक्ति मुंह से श्वसन सही प्रकार से नहीं कर पाएगा तो हमें तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढना चाहिए। हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सिर की सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं हार्ड हेड्स, हेलमेट, कैप्स, उपरोक्त एक और दो। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त एक और दो। कठोर टोपी और हेलमेट हमारे सिर की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, पैरों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं, ऑप्शन है हवाई चप्पल, कैनवेस शू, लेदर शू, उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है लेदर शू। वर्कशॉप में कार्य करते समय ना जाने कितने लोहे के चिप्स या अन्य मेटल के चिप्स बारीक बारीक कणों के रूप में पाए जाते हैं, और जब हम लोग अदर कोई शू प्रयोग करेंगे तो डर होता है कि वो उनके बीचों से हमारे पाँव तक न पहुंच जाए, इसलिए हम लोग वर्कशॉप में कार्य करते समय लेदर शू का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं पांचवे क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, आँखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं, ऑप्शन है गॉगल्स, ग्लासेस, फेस शील्ड, उपरोक्त सभी। बताइए सही आंसर। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। जी हाँ, आंखों की सुरक्षा के लिए हम लोग गॉगल्स, ग्लासेस और फेस शील्ड सभी का प्रयोग करते हैं। चलिए चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन है, शरीर की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं, ऑप्शन है ओवरऑल्स, ग्लोव्स, एप्रॉन, उपरोक्त सभी। बताइए सही आंसर। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अपने शरीर की सुरक्षा के लिए हमें ओवरऑल्स, ग्लोव्स, एप्रॉन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग करते समय हमेशा डॉट डॉट डॉट, ऑप्शन है व्हील के आगे खड़े हों, व्हील के साइड में खड़े हों, चश्मा पहने, उपरोक्त एक और दो। बताइए सही आंसर। तो सही आंसर होगा व्हील के साइड में खड़े हों। जी, जब हम जॉब को लेकर ग्राइंडिंग करते हैं, किसी भी ग्राइंडिंग मशीन में आप ग्राइंडिंग करोगे तो व्हील के साइड में खड़े होंगे, व्हील के आगे या पीछे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि जब हम लोग ग्राइंडिंग करेंगे
और दोनों के बीच में जब घर्षण होगा तो उससे आग उत्पन्न होगी, चिंगारी उत्पन्न होगी। यदि हम सामने खड़े होंगे तो हमारी आंखों में आएगी, और यदि हमने चश्मा पहन के ग्राइंडिंग किया तो उससे भी हमारे आँख तो बच जाएंगे लेकिन हमारा चेहरा नहीं बच पाएगा। इसलिए हम व्हील के साइड में खड़े होकर ग्राइंडिंग करते हैं। तो चलिए हम लोग आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है आपके सामने, क्लास ए टाइप के अग्नि के लिए ईंधन है। ऑप्शन है गैस एवं द्रवित, ज्वलनशील द्रव एवं द्रवणीय ठोस, काष्ठ, कपड़ा, कागज, विद्युतीय उपकरण में अग्नि और धातु अग्नि। बताइए चार ऑप्शन में से सही आंसर। तो सही आंसर है काष्ठ, कपड़ा और कागज। जी, वर्ग ए के अंतर्गत काष्ठ, कपड़ा और कागज को रखा गया है। चलिए हम लोग चलते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ। नौवा क्वेश्चन है, क्लास ए अग्नि में अग्नि का कारण है। ऑप्शन हमारे सामने ये रहे, काष्ठ, तेल, ट्रांसफार्मर, रासायनिक। तो बताइए इसका सही ऑप्शन। तो सही ऑप्शन होगा काष्ठ। हमने अभी इससे पहले ही पढ़ा है कि क्लास ए में काष्ठ, कपड़ा, कागज इत्यादि ईंधन आते हैं, तो इसका सही आंसर होगा काष्ठ। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, और हमने जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चन को लिया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं दसवें क्वेश्चन की तरफ। दसवां क्वेश्चन है, निम्न में कौन दुर्घटना की रोकथाम में सहायक है। ऑप्शन है स्वचालित सुरक्षा गार्ड, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड, ट्रिप सुरक्षा गार्ड, उपरोक्त सभी। बताइए सही ऑप्शन। तो सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। ये तीनों गार्ड ही हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं, इससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना कम होती है। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए हम लोग चलते हैं ग्यारहवें क्वेश्चन की तरफ। तो ग्यारहवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन है अत्यधिक जुर्माना लगाना, प्रचार वाक्य का लिखना, कार्य रोक देना, उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही आंसर। तो सही आंसर है प्रचारी वाक्य का लिखना। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है प्रचारी वाक्य को लिखना। जब हम कोई भी सही वाक्य कहीं लिख देते हैं तो व्यक्ति उसे देखकर, उसे पढ़कर अपनी सुरक्षा के बारे में सोचता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं बारहवें क्वेश्चन की तरफ। बारहवा क्वेश्चन है, वर्ग बी में लगी आग होती है। ऑप्शन है गैस, विद्युत, तरल पदार्थों, लकड़ी, कागज इत्यादि। हमें बताना है वर्ग बी में लगी आग का टाइप क्या है, वो किसके अंतर्गत आती है, किस से लग सकता है आग। तो बताइए सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन होगा तरल पदार्थ। जी हाँ, तरल पदार्थों से लगी आग को वर्ग बी के अंतर्गत रखा गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं तेरहवें क्वेश्चन की तरफ। तेरहवा क्वेश्चन है, वर्ग डी में लगी आग होती है। ऑप्शन है गैस, विद्युत, तरल पदार्थों, लकड़ी, कागज। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत। जी हाँ, विद्युत से लगी आग को वर्ग डी के अंतर्गत रखा गया है। चलिए हम लोग चलते हैं चौदहवें क्वेश्चन की तरफ। चौदहवा क्वेश्चन है, विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है। ऑप्शन है पानी से, ड्राई पाउडर एक्सटिंग यूजर से, सोडा एसिड एक्सटिंग यूजर से, सीटीसी फायर एक्सटिंग यूजर से। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा सीटीसी फायर एक्सटिंग यूजर से। साथियों, वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी, वर्ग डी, चार प्रकार की वर्ग हमने पढ़े हैं जिसमें आग को बांटा गया है, और
विद्युत से लगी आग वर्ग डी के अंतर्गत रखा गया है और वर्ग डी की आग को बुझाने के लिए सीटीसी फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, गैस से लगी आग को निम्नलिखित में से किस से बुझाया जाता है? ऑप्शन है पानी से, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर से, सीटीसी फायर एक्सटिंग्यूशर से, उपरोक्त सभी। बताइए सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा गैस से लगी आग को हम लोग कैसे बुझाएंगे, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर से। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 का प्रयोग किस प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। बताइए सही आंसर। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं हम लोग क्लास डी प्रकार की आग बुझाने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोम एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग किस प्रकार की आग बुझाने के लिए करते हैं? ऑप्शन है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा क्लास बी। क्लास बी के अंतर्गत तेलीय पदार्थों से या तरल पदार्थों से लगी आग को रखा गया है और इसे ही बुझाने के लिए फोम एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग किस प्रकार की आग बुझाने के लिए करते हैं? ऑप्शन है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा क्लास ए। सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग कागज, कपड़ा, लकड़ी इत्यादि से लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, हेमर प्रयोग करते समय नज़र रखनी चाहिए? ऑप्शन है चीजल के हेड पर, हेमर पर, जाब पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है जाब पर। जी हाँ साथियों, हेमर का प्रयोग करते समय हमारी नज़र जाब पर होनी चाहिए। जब हम लोग जॉब पर देखेंगे तो कटिंग सही होगी और हेमर का प्रयोग भी सही होगा। और यदि हमने हेमर पे देखा तो हम हो सकता है कहीं और चोट लगा दें, या चीजल के हेड पर देखें तो हो सकता है कि हम जॉब में कहीं और से कटिंग कर दें। इसीलिए जब हम लोग जॉब पर देखते हैं तो कटिंग भी सही होती है और हेमर भी सही चलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, तेली पदार्थों की आग बुझाने हेतु किस अग्निशामक का प्रयोग होता है? ऑप्शन है सोडा एसिड, फोम एसिड, सीटीसी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर। तो सही आंसर है फोम एसिड। इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो तेली पदार्थ है उसको बुझाने के लिए फोम एसिड का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसे किसके अंतर्गत रखा गया था? क्लास बी के अंतर्गत। तो दोस्तों, कहीं क्वेश्चन में ये पूछ लिया है कि किसके अंतर्गत रखा गया है, किसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि इससे किस प्रकार की आग लगती है, यानी किस प्रकार का आग किस क्लास में आता है, या तो फिर ये पूछ लेगा कि इस क्लास के आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन है तेली पदार्थ से जो आग लगती है उसे बुझाने के लिए। तो इसमें सही ऑप्शन होगा सेकंड, फोम एसिड। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोम टाइप अग्निशामक में कौन से रसायन प्रयोग होते हैं? ऑप्शन है Na2CO3 प्लस AlSO4, दूसरा है AlSO4 प्लस NHCO3,
तीसरा है NaOH प्लस HCl, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर। फोम टाइप अग्निशामक में कौन सा रसायन प्रयोग होगा? तो इसका सही आंसर है Na2CO3 प्लस AlSO4। जी हाँ दोस्तों, फोम टाइप अग्निशामक में Na2CO3 प्लस AlSO4 का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क रसायन वाले अग्निशामक कहाँ प्रयोग होते हैं? ऑप्शन है विद्युत आग, लकड़ी की तेली आग, इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको शुष्क रसायन का प्रयोग आप कहाँ करोगे? तो इसका सही आंसर होगा विद्युत आग। जी हाँ, शुष्क रसायन का प्रयोग हम लोग विद्युत आग में करते हैं। तो साथियों, आज का ये सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। दोस्तों, यदि आप क्वेश्चन वाइज पढ़ना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा, और यदि आप थ्योरेटिकल समझना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, ताकि हम अगला जो वीडियो है उसी के आधार पर बनाएँ। तो चलिए दोस्तों, ये सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों।